भगवान भाइयों एवं बहनों, आज हम UHF किसान सेवा के माध्यम से आपके साथ जुड़े हैं और आज हम आपको सेब उत्पादन में माइट से होने वाले क्षति के बारे में तथा उसके प्रबंधन के बारे में अवगत कराएंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि सेब उत्पादन में माइट जो है वो काफ़ी नुकसान करती है। ये दो प्रकार की माइट होती है हमारी, एक होती है यूरोपियन रेड माइट और दूसरी होती है टू स्पॉटेड माइट, मतलब एक लाल रंग की होती है और एक होती है दो स्पॉट होते हैं उसमें और वो पीले और हरे रंग की होती है। दोनों ही माइट सेब के बागीचों में नुकसान करती हैं। जो यूरोपियन रेड माइट है वो चॉकलेट रंग की होती है। ये आपको जो इसमें फोटो दिख रही है ये यूरोपियन रेड माइट की है, ये माइक्रोस्कोप के द्वारा बड़ी करके आपको दिखाई जा रही है। वैसे ये बहुत ही सूक्ष्म होती है। और ये जो दूसरी मैंने आपसे माइट के बारे में बात की थी टू स्पॉटेड माइट, इसमें दो स्पॉट्स होते हैं और ये पीले और हरे रंग की होती है। और ये जैसे आजकल का समय है तो ये पत्तों के ऊपर अंडे देती है और उनसे जो शिशु निकलते हैं वो सेब की पत्तियों को उसमें से रस चूसना शुरू कर देते हैं और परिणाम स्वरूप जो पौधा है वो कमज़ोर पड़ जाता है। पत्तियाँ पहले हल्के हरे रंग की होती है, उसके बाद वो थोड़ी सी पीले रंग की हो जाती है और बाद में तांबे की तरह दिखने लगती है। और यदि बहुत ज़्यादा आक्रमण हो जाए तो पत्तियाँ गिर भी सकती हैं। और जो हमारे बागवान भाई हैं यदि वो पहले से इसका ध्यान रखें तो इस जीव द्वारा क्षति को काफ़ी कम किया जा सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि बागवान भाई बहन तब विशेषज्ञ के पास पहुँचते हैं जब तक उनके बागीचे में काफ़ी नुकसान हो गया होता है, तब तक वो पत्ते जो है वो तांबे के रंग के हो गए होते हैं और उस समय उसकी जो नुकसान है उसकी भरपाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है हमारे बागवान भाई और बहनों के लिए कि वो अपने बागीचे में लगातार घूमते रहें, पत्तियों को दोनों तरफ से जांचें, ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी। और ये जो बागीचे में आप अपनी आँखों से दिखेंगे तो शायद ये आपको ना दिखे, लेकिन हमारे पास एक फील्ड लेंस, आप भी वो अपने बाज़ार से खरीद सकते हैं, बाज़ार में मिलता है, ये इस प्रकार का होता है फील्ड लेंस, तो इसकी मदद से आप पत्ते को इस प्रकार से देख सकते हैं और पत्ते के नीचे और ऊपरी सतह दोनों पर आप देख सकते हैं। तो आपको इसमें यदि माइट की प्रेजेंस होगी तो वो आपको माइट इसमें चलती हुई नज़र भी आ जाएगी। और जो ये माइट के पत्ते होते हैं यदि हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें इसके अंडे भी नज़र आते हैं और जो विभिन्न अवस्थाएँ हैं वो भी नज़र आती है। तो ये जो माइट जीव है देखने में बहुत छोटा है, दो प्रकार का है, एक यूरोपियन रेड माइट है जो कि जाला नहीं बनाती है और जो टू स्पॉटेड माइट है वो जाला बनाती है, लेकिन दोनों ही हमारे बागीचों में पाई जाती है। तो ये दोनों ही का जीवन चक्र जो है लगभग 10 से 12 दिन, जैसे आजकल का समय चल रहा है तो लगभग 10 से 12 दिन में ये अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है, अंडे से लेके और वयस्क बन जाती है और फिर दोबारा से वो माइट अंडे देगी और वो दूसरा जीवन चक्र शुरू हो जाएगा। तो कई 4-5 इनकी जो जनरेशंस हैं वो तब सितंबर अक्टूबर तक ये कंप्लीट कर लेती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा तुड़ान है सेब के बागीचों में जनरली जो मुख्यतः जो है वो अगस्त सितंबर में ज़्यादा होता है और उस समय हम तुड़ान में व्यस्त होते हैं, लेकिन वो जो माइट जीव है वो भी काफ़ी नुकसान कर रहा होता है। तो यदि हम माइट जीव का नियंत्रण समय रहते कर लें तो हम इस नुकसान से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही होता है कि हम मॉनिटरिंग करते रहें अपने बागीचे की, देखते रहें कि उसमें माइट की संख्या कितनी है, और जब आपको लगे जैसे आजकल का मौसम है जून जुलाई, अब माइट की वृद्धि होने का काफ़ी नज़दीक समय आ चुका है और ये बहुत जल्दी जो है वो नुकसान करना शुरू करेगी और रस चूसना शुरू कर देगी और उससे क्या होगा कि पत्ते तो पीले पड़ेंगे ही पड़ेंगे, वृक्ष कमज़ोर हो जाएगा और जो आपका फल है उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, उसका आकार सही नहीं बनेगा, उसमें रंग ठीक से नहीं आएगा और जब आप उसको सेब को खाएंगे तो उसमें आपको इतना स्वाद भी नहीं आएगा। तो ये देखने में बहुत छोटा जीव है लेकिन नुकसान काफ़ी करता है, तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम इसका समय रहते नियंत्रण करें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आजकल माइट की वृद्धि का समय काफ़ी नज़दीक है, तो हमारे पास माइट को मारने के लिए कुछ जो जीवनाशी हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। 3-4 प्रकार के जीवनाशी जो कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर विभाग की छिड़काव सारणी है उसमें भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि ओबिरोन है, मैजिस्टर है,
और आपका ओमाइट है और मेडन है, ये चार दवाइयों के नाम बताए मैंने आपको। ये चार दवाइयाँ हम रोटेशन में यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपने पहले ओमाइट की तो दूसरी बार आप 20 दिन के बाद ओबिरोन कर लें, उसके 20 दिन बाद तीसरी दवाई कर लें। एक ही दवा का बार बार हम छिड़काव ना करें। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये ओबिरोन नामक दवा है तो इसका हम 60 मिलीलीटर एक ड्रम में घोल बनाकर इसका छिड़काव करेंगे। और ध्यान रखें कि जो वृक्ष है वो पूरी तरह से उनके ऊपर छिड़काव हो जाए, पत्ते पूरी तरह से भीग जाएं। जैसे आपने ओबिरोन का छिड़काव कर लिया तो उसके 20-22 दिन के बाद आप दूसरी दवा ले सकते हैं। जैसे ये मैजिस्टर है, इसका 50 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर या एक ड्रम पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। और फिर भी आवश्यकता पड़े तो हमारे पास एक और भी माइट को मारने के लिए जीवनाशी है, जिसको हम ओमाइट के नाम से जानते हैं। और चौथा हमारे पास एक मेडन के नाम से भी आता है। तो ये चार जीवनाशी हमारे पास अवेलेबल हैं और इनमें से हम किसी को भी रोटेट करके आगे पीछे करके छिड़काव कर सकते हैं। और ये आपने ध्यान रखना है कि छिड़काव तभी करना है अगर आपको लगे कि माइट की संख्या बहुत बढ़ रही है। यदि माइट की संख्या काफ़ी कम आ गई है छिड़काव के बाद, एक या दो आपको प्रति पत्ता मिल रही है, तो इसमें आप छिड़काव को देर से भी कर सकते हैं। तो ये जैसे छिड़काव सारणी है हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग की, इसमें आपको बीमारियों और कीट और माइट के बारे में सारी जानकारी दी गई है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके नज़दीक जो भी उद्यान विभाग का ऑफिस है वहां से आप ये छिड़काव सारणी प्राप्त कर लें और छिड़काव सारणी को आप अनुसरण करें इसका, और समय समय पर इनका आप प्रयोग करें। कोशिश करें कि हम कम से कम और आवश्यकता पड़ने पर ही इन जीवनाशी रसायनों का प्रयोग करें। और ध्यान रखें कि जब आप छिड़काव कर रहे हैं तो पूरा सुरक्षा आप कवच पहने, ग्लव्स पहने, अपनी आंखों को कवर करके रखें और हवा के विपरीत दिशा में छिड़काव ना करें। क्योंकि अगर यदि आप हवा की विपरीत दिशा में छिड़काव करोगे तो जो वो छिड़काव कर रहे हैं वो आपके शरीर के ऊपर ही दोबारा आ जाएगा। तो इन बातों का आप कुछ ध्यान रखें। घोल बनाते समय हाथ का प्रयोग मत करें, किसी डंडे के साथ वो ड्रम में घोल बना लें। और आजकल हमने देखा है कि बहुत से बागवान भाई एक माइट को मारने वाले रसायन को दूसरे माइट को मारने वाले रसायन के साथ जोड़ लेते हैं कि जी हम मैजिस्टर के साथ इसको ओमाइट को दोनों को मिला के स्प्रे कर दें। ऐसा मत करें, आप एक ही जीवनाशी का एक समय पर प्रयोग करें, क्योंकि दो जीवनाशी मिलाने से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो बाद में हमें उनका फिर समाधान करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बाद जब विंटर आ जाएगा उसके बाद भी ये माइट जो है ये भी, जैसे पौधा सुषुप्त अवस्था में जाएगा माइट भी सुषुप्त अवस्था में चली जाएगी। ये अंडे दे देगा उसके ऊपर वृक्ष पे। तो मैं आपको यूरोपियन रेड माइट के अंडे दिखाता हूँ, जो काफ़ी हमने एनलार्ज बड़े करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये ओवर विंटरिंग बोलते हैं हम, जो शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर के बाद पेड़ पे आपको ऐसे मोती की तरह स्पर्स पे और जहाँ जहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी कैविटीज़ होगी मोती की तरह ये छोटे छोटे दाने दिखेंगे, जो कि यूरोपियन रेड माइट के अंडे हैं। और ये जब अगला स्प्रिंग आएगा, जब पौधे में रस आना शुरू हो जाएगा, तो इसमें से शिशु निकलकर नुकसान करना शुरू कर देंगे। तो बागवान भाइयों, इन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा भी आपको कोई समस्या हो तो आप हमारा यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कीट विज्ञान विभाग है, उसमें भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, और विस्तार शिक्षा निदेशालय भी, उनके माध्यम से भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।